बना दिया। नाजिल हुए हुसैन तो शाबान ने कहा, तूने मुझे शबानुल मुअज्जम बना दिया। अच्छा के बोलो हैदरी। सलवात पढ़ो जी, सीधा शुरू करिए। कसीदा पहले मिसरे शुरू और पहले खत्म, ठीक है जी। पहले मैं इमाम हुसैन बादशाह का कसीदा पढ़ांगा जी, तीन शबान के हवाले नाल। पढ़िए जी। हाय ये शबान की तीन खालिक बना के, ये शाबान की तीन खालिक बना के। अंकल जी थोड़ी सारी कम कर, ज्यादा नहीं करें। ये शाबान की तीन खालिक बना के, 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 ये शाबान जिने सावद अली वाले से हाथ बुलाने के बोलो हैदरी। ये शाबान की तीन खालिक बना के, पंडित पढ़िए जी, ये शाबान की तीन खालिक बना के, खुदा कह रहा है मोहम्मद से आके, ये मेराज कर लो अभी घर में जाके, ये मेराज कर लो अगले मिसरे से बोल अनुसार, अभी घर में जाके ये मेराज कर लो, अगली गल अभी घर में जाके, जरा अपनी बेटी का दामन हटा के, अद्भुत करो कुरान पढ़ो हैदरी। वजह तहलीके कायनात ने अपने नवासे नु अपने हाथों से बुलंद किया, बुलंद करके फरमाया, मैं जिसकी सखावत पे पलता रहा हूँ उसी बादशाह के सखी ने दिया है, जियो जी। मैं जिसकी सखावत पे पलता रहा हूँ उसी बादशाह के सखी ने दिया है, मैं जिसकी सखावत पे पलता रहा हूँ उसी बादशाह के सखी ने दिया है, सहाबा में आके सभी को दिखा के, नबी कह रहे हैं अली ने दिया है। ए मयारे, ए मयारे, तोजी नहीं, तशरी नहीं, डायरेक्ट शेर पढ़ना चाहना, पढ़ा लिखा मज में बैठे। वजह तहलीके कायनात ने पुत्र नु हाथ दे बुलंद करके फरमाया, मैं जिसकी सखावत पे पलता रहा हूँ उसी बादशाह के सगी ने दिया है, सहाबा में आके सभी को दिखा के, नबी कह रहे हैं
रखी है अता के हुनर से वो ऐसा सखी है अता के हुनर से वो ऐसा सखी है अता के हुनर से मुझे रख गया तेरी गोदी में आके वजह तेली के कायनात ने इनके उन आखा अपना बातन रहले रिसालत बुलंद करके सरताज लमिया फरमाया मैं अपने ताई एक लफ्ज बिच आ रहे ताई ठीक है जी मैं अपने ताई कुछ नहीं चाहता हूँ जो चाहे खुदा मैं वही चाहता यार बड़ी जिंदगी हो शाला किसी दे मुहताज ना हो मैं अपने ताई कुछ नहीं चाहता हूँ जो चाहे खुदा मैं वही चाहता हूँ मेरी पुश्त पर आके बैठेगा कब ये मैं सजदे में जा वजह तली के कायनात ने फरमाया मैं अपने ताई कुछ नहीं चाहता हूँ जो चाहे खुदा मैं वही सोचता हूँ मेरी पुश्त पर आके बैठेगा कब ये मैं सजदे में जाके यही सोचता कांधे के जिन पे है मोहरे नबुवत है कांधे के जिन पे है मोहरे नबुवत मुझे कह रहे चलो अब उठाए बुरबाश वजह लंबा कर गए बहुत लंबा कर गए देख कर बहुत ज्यादा लंबा कर मेरे बजुर्ग आ गए ने बजुर्गां नूं देर लेट ना करवावां ए आखरी कसीदा ते एक ही मिसरा सरकारे वफा दा मैं पढ़ना जी क्योंकि अज उन्हां दा ज़हूर है ते उन्हां दा मैं एक मिसरा सिर्फ पढ़ना जी इजाजत होवे ते मैं पढ़ा जी एक सलवात पढ़ो मैं पढ़ा दूसरी वार ए ज़हूर हो गया ज़ाहिरी ज़हूर हुसैन बादशाह ने ए अपने बिरां नूं हत्थां ते बुलंद करके कोल जनती पींगा अपना बातर रहले इमामत ते सजा के जनती पींगे च लटाया पींगे दी डोरी नपीए ना हुसैन बादशाह ने पींगे दी डोरी नप के इंज झूला झुला रहे नाल दुआ मंगन लगे हुसैन बादशाह झूला झुला के एक दुआ मंगी दुआ केड़ी मंगी हुसैन बादशाह फरमाया अज आल मुस्तफा दी पई मंगदी है दुआ अज आल मुस्तफा दी पई मंगदी है दुआ पई मंगदी है दुआ अज आल मुस्तफा दे पई मंगदी है दुआ अज आल मुस्तफा दे पई मंगदी है दुआ
अजियाल मुस्तफा दी मंग दिए दुआ दुआ पै मंग दिए दुआ ओ साडे घर तेरे निशाला साडे घर तेरे निशाला तेरे अलमा दी अछावा अजियाल मुस्तफा दी मंग दिए दुआ मेहरबानिया या अली अलैहि सलातो सलाम ए मेहरबानिया हुसैन बादशाह ने अपने पुत्र नु हाथ ते बुलंद कीता पींगे च कट के अपने पुत्र नु हाथ ते बुलंद करके फरमाया मुश्किल कुशा दे घर विच मुश्किल कुशा विको मुश्किल कुशा दे घर विच मुश्किल कुशा भी तू मुश्किल कुशा दे घर विच मुश्किल कुशा भी तू हाँ जिस रब दा नाम रखे उस दी दुआ भी तू है लड़ी हाँ जिस रब दा नाम रखे उस दी दुआ भी तू अज बादाया खया मैं हाथ नाल कर विखावा अज बादाया खया मैं हाथ नाल कर विखावा अज बादाया खया मैं हाथ नाल कर विखावा अस मिसरे दी तुहाडा पता लगना खया मैं हाथ नाल कर विखा ओ अज मादाया खया मैं तवज्जो नाल कर विखा सब बच गई गल थी ओ पढ़ के कुरान तेरे पढ़ के कुरान तेरे झूले ते अल बुलावा हद कर के बोलो नाल कर तेरे सलावत पढ़िए